वेलकम यू टू द second मॉड्यूल ऑफ दिस graphic डिज़ाइन कोर्स ऑफर्ड यू बाय ऑनलाइन We are going वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद of वेरी बेसिक्स ऑफ इलस्ट्रेटर जिसमें हम टूल के साथ साथ कुछ डिज़ाइन की बेस्ट practices को भी फॉलो करेंगे हम एक प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द कोटेशन डिजाइन प्रोजेक्ट इस पूरे मॉड्यूल में जो content कवर अप किया जाएगा उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूँ सो so, इलस्ट्रेटर में फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है फ़ाइल क्रिएट करते हुए किन किन चीज़ों का ख़्याल किया जाए और किन किन इनपुट फील्ड्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दें सो so, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके अलावा कोटेशन लिखने के लिए टेक्स्ट टूल का कैसे यूज़ किया जा सकता है कोटेशन के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको कैसे सेट किया जाए अगर आप अपने कोटेशन डिज़ाइन के अंदर कलर्स का यूज़ करना चाहते हैं शेप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इलस्ट्रेटर में कौन से टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कलर्स असाइनमेंट के लिए इसके अलावा शेप्स को ड्रॉ करने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अगर आप अपने कोटेशन डिज़ाइन के अंदर कोई ऐसा टाइप फेस यूज़ करना चाहते हैं जो कि आपको पसंद है लेकिन आपको इलस्ट्रेटर की टाइप फेस लिस्ट के अंदर वो नहीं मिल रहा सो वी विल लर्न के हाउ यू कैन डाउनलोड अ फॉन्ट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी वेबसाइट जिसमें हम गूगल फ़ॉन्ट्स को कवर करेंगे अडोबी फ़ॉन्ट्स को कवर करेंगे अगर आप अपने कोटेशन डिज़ाइन के अंदर कोई इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये सीखेंगे कि रियलिटी फ्री इमेजेस कौन कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं और आप उसको अपने इलस्ट्रेटर में कैसे प्लेस कर सकते हैं अगर आप अपनी इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो इसमें एक छोटा सा लेसन है फ़ोटोशॉप से रिलेटेड कि इमेज को क्रॉप कैसे किया जाता है सेलेक्शन कैसे की जाती है इसके अलावा इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज को क्लिप कैसे किया जाता है तो इन दोनों के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे फिर एक अच्छे डिज़ाइनर की निशानी है कि जब भी वो डिज़ाइंस बनाता है तो अगर वो मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स के अंदर मल्टीपल कैनवास के अंदर काम कर रहे तो उनको सही तरीके से मैनेज करें उनको सही तरीके से नाम असाइन करे अपनी लेयर्स को सही तरीके से मैनेज करें उनको सही रेलिवेंट नेम्स असाइन करें सो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे फिर फाइल को किस तरह से सेव किया जा सकता है फॉर द वेबसाइट्स फॉर योर सोशल मीडिया अकाउंट्स और अगर आप अपनी फ़ाइल को किसी क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी हैं उसके बारे में भी जानेंगे आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो जो लेसन देखते जाएँ उसकी साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि ये वो सारा कॉन्टेंट है जो आगे आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर भी इस्तेमाल होगा सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू योर ग्राफिक डिज़ाइन जर्नी लेट्स गेट स्टार्टेड